हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन आज के मेंस आंसर रेटिंग सेशन में आपका स्वागत है तो आज के डे में हम जी एस थ्री कर रहे थे सो वी हैव दिस टू क्वेश्चंस ओवर हियर सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिस इन्वेस्टमेंट नाउ दिस डिस इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज टाइम एंड अगेन न्यूज़ के अंदर रहता है तो बजट के अंदर, अंदर अनाउंस होता है कि ये इतना टारगेट है हम डिसवेस्टमेंट करेंगे एक तो चीज़ ये होती है फिर इस गवर्नमेंट की पर्टिकुलरलीर एज बिन लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिसिजमसाइजिंग टू मच ऑन डिस इन्वेस्टमेंट तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है फॉर द एग्जाम सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिस इनवेस्टमेंट एंड द अदर क्वेश्चन इज अबाउट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर जनरल थ्री एग्रीकल्चर चलिए तो देखते हैं हैंट इज दिस क्वेश्चन वट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसमेंट एंड ऑल्सो मैं द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट नाउ द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी सिंपल राइट यू विल स्ट्रेट फॉरवर्ड से वॉट इज वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिस इनवेस्टमेंट जैसा जैसा लिखा है वन फिफ्टी वर्ड्स का है तो एक या फिर वन वा, वन फोर्थ पेज में आपका आंसर आ जाना चाहिए था सो वेन वी से डिसन्वेस्टमेंट राइट सो वी जस्ट सिंपली डिफाइन द डिसन्वेस्टमेंट उसके बाद आप बताइए कि कौन से कौन से टाइप्स की डिसइनवेस्टमेंट होती है माइनॉरिटी डिस इन्वेस्टमेंट स्ट्राटिक डिस इन्वेस्टमेंट कंप्लीट डिस इन्वेस्टमेंट एयर इंडिया तो गवमेंट सारा कंट्रोल अपना दे देती है सो मैंशन लिस्ट आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट्स ठीक है तो ये बताने के बाद में अब आपके पास एडिकुएट यू नो यू है मेरिट्स एंड डी मेरिट्स तो अब आपके पास एक एडिकुएट मटीरियल हो गया टू एस्टाब्लिश द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स तो आराम से यहाँ पे लिखिए मेरिट्स लिस्ट ऑन द पॉइंट एंड देन टेट द डीमेरिट्स ठीक तो है तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वन फिफ्टी वर्ड्स का और हमारे पास यहाँ पे खूब सारा कंटेंट भी है तो चलिए डिस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देखते हैं सो so, इस इसको छोड़िए डेफिनेशन को फॉर अ सेकेंड जस्ट इमेजिन वन थिंग द गवर्नमेंट ओन्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी ठीक है कोई भी पी एस यू सोच लीजिए आप तो पी एस यू है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ दिस पी एस यू गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेल दिस पी एस यू गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेल अ पार्ट ऑफ द पीएसयू या कंप्लीट पीएसयू टू हुम टू प्राइवेट सेक्टर ठीक है तो प्राइवेट सेक्टर को यह बेचती है अब यहाँ पे देखिए देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट माइनॉरिटी स्ट्रैटेजिक एंड मेजोरिटी तो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट मान लीजिए गवर्नमेंट के पास हंड्रेड परसेंट शेयर है ऑफ ऑफ अ पर्टिकुलर पी तो उसका ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट जितना भी वो बेचते हैं यहाँ पर और इससे क्या मिलेगा बेचने से क्या मिलता है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे और क्या मिलेगा ठीक है सो द गवर्नमेंट विल कैपिटल तो गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू कैपिटल रिसेप्ट यहां पे होती है सो दिस इज इट सो दिस इज अरिटी डिस इन्वेस्टमेंट पहला वाला सो अ पार्ट ऑफ द शेयर इज गिवेन पार्ट ऑफ द इक्विटी इज गिवेन इन सच अ वे दैट द

अब मैनेजमेंट ऑफ दिस पी एस यू विल बी डन बाय द मैनेजमेंट कंट्रोल अब इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाएगा अब जब हम स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट 50 परसेंट से ऊपर स्टेक बेचे जरूरी नहीं है इट इज एनीबडी हु हैज मेजोरिटी स्टेक कैन रन दी मैनेजमेंट

एयर इंडिया हम आपको बेच देंगे प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर क्यों खरीदेगा नुकसान हो रहा है भाई काफ़ी सारी एसेट्स है इसके साथ लैंड एसोसिएटेड है ऑफिस एसोसिएटेड है एयर एयरबस वो जो प्लेन है जिस जो उड़ते हैं एयरक्राफ्ट वो एसोसिएटेड है तो वो सब मिलेगा सस्ते दाम में सो द गवर्नमेंट विल फ्री अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनिंग एज वेल एज मैनेजिंग द पी टू द प्राइवेट सेक्टर सो दिस इज नोन एज कंप्लीट डिसइनवेस्टमेंट या मेजोरिटी डिस इन्वेस्टमेंट राइट आई थिंक यू गॉट द वॉट डिस इनवेस्टमेंट है वो भी आपको समझ आ गया सो डिसमेंट मीन द सेल ऑफ सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स एसेट समथिंग दैट द गवर्नमेंट ओन्स ठीक है उसको वो बेचती है या उसको कंप्लीटली खत्म कर देती है लिक्विडेट कर देती है सो दिस इज बाय द गवर्नमेंट यूजली ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट पब्लिक सेक्टर कंपनीज ठीक है सो दिस इज नोन एज डिस इन्वेस्टमेंट सो सिंस द लेट नाइनटीन नाइनटीज डिस इन्वेस्टमेंट हैज बीन अ कोर कॉम्पोनेट ऑफ इंडिया फिजिकल पॉलिसी तो बजट में टाइम एंड अगेन डिस इन्वेस्टमेंट के टारगेट फिक्स किए जाते हैं बाई दी का टाइप्स ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट यू ऑलरेडी नो सो आप सीधा सीधा बताइए आप उसको इलाबोरेट कीजिए एंड मूविंग फॉरवर्ड स्टेट द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स आप बता दीजिए कि टाइम एंड अगेन द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू द पॉलिसी ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड देर आर प्रोज एंड कॉन्स टू इट या मेरिट्स एंड डी मेरिट्स टू इट द मेरिट्स आर एज फॉलोज अब पहली बात यहाँ पे इसको फिर से ड्रा करते हैं एक सेकेंड पी एस यू को बेचा गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट के पास ये पी एस यू था तो गवर्नमेंट ने इस पी एस यू का कुछ शेयर बेच दिया या कंप्लीटली बेच दिया डिपेंड्स इट इज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर

गवर्नमेंट के पास कैपिटल आया है सो गवर्नमेंट शुड आइडियली इट शुड इन्वेस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन सो इट शुड पुट पब्लिक इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अपना गवर्नमेंट का जो पैसा है इट शुड गो इन टू क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मे बी कोल्ड चेन डेवलप होनी चाहिए मे बी डेवलपमेंट ऑफ मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री तो इस तरह का दे शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस विच आई विल अल्टीमेटली क्रिएट अ बेस फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब ग्रोथ ठीक है तो फ्री अप फ्रीज अप कैपिटल हुए मैं सिर्फ माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं वैसे तो मेजॉरिटी और ये कंप्लीट में भी हो जाता सो दिस इज वेरी सिंपल नेक्स्ट इज यही आपको बोला जो यहां पे जो एडवांटेज है यहां पे इट विल फ्री अप इट विल अलाउ कैपिटल फॉर्मेशन एट द सेम टाइम द गवमेंट कैन यूज दिस कैपिटल फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है जो भी उसका चाहती है टू मीट द सोशल ऑब्जेक्टिव उसके लिए ये इसको लगा सकते हैं नेक्स्ट दिस विल ब्रिंग इन प्राइवेट कैपिटल ये जो कैपिटल आया गवर्नमेंट के पास ये प्राइवेट कैपिटल है तो वी विल सी मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर राइट सो मोर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एट द सेम टाइम विल मोर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज देयर देर इज इन्वेस्टर ग्रोथ इज देयर द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑफ द पी एस यू विंक्रीज सो देर इज इन्वेस्टर ग्रोथ ऑल्सो ठीक है उसके रेवेन्यूज भी इंक्रीज होते हैं एंड एट द सेम टाइम दिस विल एड कंपटीशन अगर हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर मेजोरिटी डिस इन्वेस्टमेंट की बात करें देन इन दैट केस इट विल एड कंपटीशन देयर विल मोर प्राइवेट प्लेयर्स तो प्राइवेट प्लेयर्स आपस में कॉम्पीट करेंगे यहां पर सिर्फ पी है सो दिस वेन दे कॉम्पीट ओवर हेयर दे विल बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटर एफिशियंसी देर इज गोइंग टू बी बेटर कॉरपोरेट गवर्नेस ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट के हिंड्रेंस की, की वजह से पी अच्छे नहीं काम करते सो बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे विल बी इम्प्रूवमेंट लास्टली ये जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का काम नहीं है कंपनीज चलाना कंपनीज चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर बेस्ट है तो गवर्नमेंट शुड भी गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना ठीक है तो

ठीक है गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग एडिक्वेट रेवेन्यू एस्टिमेट ज़्यादा कर दिया उन्होंने एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू कम आता है उनके पास सो टू ब्रिज द गैप कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह में देर इज एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सो राधर दैन क्रिएटिंग ऑफ द कैपिटल राधर दैन क्रिएशन ऑफ द कैपिटल ओवर हेयर वॉट वी सी इज द गवर्नमेंट इज बेयरली ब्रिजिंग द फिजिकल डेफिसिट तो अगर कैपिटल नहीं जाएगा पब्लिक सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन बाय मींस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर इंफ्रा नहीं बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं होगी उसके अंदर सबसे पहले तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर तो नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली द ग्रोथ ऑफ द इकानमी विल कम डाउन और इट विल नॉट ग्रो एज एक्सपेक्टेड सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न ओवर ओव्या सो बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर भैया ठीक है ना आप ऐसे सोच लीजिए आपका घर है अगर आप किसी का घर है कुछ है तो आप घर बेच के दूसरा घर लेते हो आप उससे ऐश वैश नहीं करने लग जाते कि मर्सिडीज कार खरीदी घर बेच के ऐसे काम नहीं करते ठीक so, uh, है सो लाइक वाइज फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो सेम थिंग शुड बी डन नेक्स्ट इज द पी एस यूज होते हैं हम लोग हमेशा कंपनीज को वी लुकेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉफिट कितना किया रेलवेज को भी देख लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है लॉस कितना हो रहा है भाई रेलवेज़ हो या आपका बी एस एन एल एम टी एन एल जो भी हो दे आर ऑपरेटिंग इन दोज एरियाज जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं होती मे बी बी एस एन एल वुड बी हैविंग अ टेलीकॉम टावर उसका होगा जहाँ पे टेररिस्ट प्रोन एरिया है ठीक है उल्फा वाले एरिया में होगा आसाम के अंदर एयरटेल वहाँ नहीं जाता सो द पी एस यूज इन अ वे दे आर नॉट जस्ट लुकिंग एट द प्रोफिट डायमेंशन बट दे आर ऑल्सो लुकिंग एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री

या ए सेल हो गया आपका वो स्टील की प्रोडक्शन के लिए बनाया गया था किसी टाइम पे अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम आ रही है दैट जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती है ठीक है दवाई क्रोसिन वगैरह तो उसके जो पाउडर होता है विच हैज़ द थियोरोपोटिक इफेक्ट मेडिसिनल इफेक्ट जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडियंट्स कह देते हैं तो उसके लिए आज बात कर रहे हैं कि हमें पी प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है एंड एट दिस मोमेंट 80% ऑफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना दैट मींस देर इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क तो रिकमेंडेशन ये है दैट वी शुड यूज एग्जिस्टिंग पीएसयू बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज एडिशनली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हु हैव द कैपेसिटी टू डेवलप ए पी गॉट इट सो दैट नीड्स टू बी डन लाइकवाइज ओ एन जी सी कैन बी टेकन अनदर एग्जाम्पल विच इज द स्ट्रेटेजिक पी एस यू तो ये है इनका एक ऑब्जेक्टिव फॉलो करते जो प्राइवेट शायद नहीं करता सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न दिस इज एक्चुअली ये डुप्लीकेट हो गया है यहाँ पे नेक्स्ट इज इट यू नो देर इज अ बिलीव की प्राइवेट सेक्टर आएगा तो मैनेजमेंट बेटर हो जाएगी देल बी बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस टेल मी विच बैंक इज बेटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आई सी आई सी आई या एक्सिस बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपको ब्रांचेज हर जगह देखने को मिल जाती है ठीक है दे रहा है तो बेटर रीच ओवर देयर इन प्राइवेट सेक्टर भी सॉदर्स आई सी आई सी आई में भी तो स्कैम हुआ था आईसी चंदा कोचर वाला जो स्कैम हुआ था सो वी सी स्कैम्स टेकिंग प्लेस इन अदर बैंक ऑल्सो एक्सेस हो गया आपका इसमें हो गया आई सी आई सी आई हो गया सो इट इज देयर एवरीवेयर इनफैक्ट अगर पी एस यू होता है वी वॉट वी सी इज दैट देर इज ऑडिट ऑफ द सी ए जी ठीक है सी ए जी आ जाती है सी बी सी आ जाती है सो समवेयर देर इज एक ओवर एस्टिमेट कर रखा है दैट कॉरपोरेट गवर्नेंस इन द प्राइवेट सेक्टर इज एक्चुअली बेटर इट इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू लेट मी पुट इट दिस वे चलिए

नेक्स्ट आप कोई कोई एग्जाम्पल्स देने आप एग्जाम्पल दे सकते हैं देन मूविंग फॉरवर्ड देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव टू स्टेट द बेनिफिट्स हाउ दिज एफ पी ओ आर बेनिफिशियल तो ये आपको स्टेट करना पड़ेगा सो एन एफ पी ओ इज लीगल एंटिटी ये इसको छोड़ो यार एक बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर अबाउट uh, 85% of the farmers are small and marginal farmers. So they own about two hectares of land. two hectare of land. Means they are also poor, poorer. See, they are also from the poorer background. Their bargaining capacity is not So naturally, they are at a disadvantage over here. Now, let me just draw this. When we talk about the farmer, imagine there is a small farmer. So his ability to negotiate. फॉर इनपुट्स इज लेस ठीक है इनपुट्स के लिए नेगोशिएट नहीं कर पाता इट वॉन्ट्स टू लॉबी विथ द गवर्नमेंट वो नहीं कर पाएगा यहाँ पे ठीक है इट वॉन्ट्स टू सेलेट टू द मंडी वहां पर डिसएडवाटेज होगा उसको इट वॉन्ट्स टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्रा जैसे कि मान लीजिए छोटे हैं तो बड़ा फार्मर होता तो वो अपने इन्वेस्टमेंट क्रिएट करके ई कुड हैव क्रिएटेड अ कोल्ड चेन और यू कुड है स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टाइम पर ये लोग नहीं कर सकते सो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का फंडा बहुत सिंपल है कि इनको सबको कलेक्टिव कर लो इन सबको जोड़ दो बहुत सारे फार्मर्स हैं ना पॉपुलेशन तो ज़्यादा है तो इन सब फार्मर्स को इकट्ठा कर लो एंड फॉर्म अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नाउ द बेनिफिट इज दैट दे कैन बेटर नेगोशिएट फॉर इनपुट्स वो बल्क में खरीदेंगे उनको पता है भाई हम लोगों को ऐसे काम करना है बल्क में खरीदेंगे मंडी में बेचना है तो मंडी बेचने के लिए जो ट्रैक्टर और सारी अरेंजमेंट्स चाहिए वो ईजी होगी दे कैन पुश फॉर बेटर प्राइसेज इन द मार्केट दे कैन पुश फॉर अगर आप वैल्यू चेन में देखे वैल्यू एडिशन देखे सो दे कैन इन्वेस्ट इन द कोल्ड स्टोरेज ठीक है सो हैविंग अ कलेक्टिव कलेक्टिव ग्रुप जैसे कि आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया दिस इज कंसिडर्ड अ ग्रेट रिफॉर्म इन दिन सेक्टर एंड इट इज ग्रेटली एडवोकेटेड चलिए नाउ वॉट इज अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सो इट इज डिफाइंड एज इट इज बेसिकली अ कलेक्टिव लीगल एंटिटीस अ कंपनी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ भी हो सकते हैं विच इज फॉर्म्ड एंड मैनेज बाय द फार्मर डेमसेल्व दिस इज अ फाइबरेट बिट्वीन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ कोऑपरेटिव वेयर दे शेयर द प्रोफिट बेनिफिट अमंग्स देम सेल्व देर इज बेनिफिट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपस में सब तो एक साथ नहीं कर सकते तो फ्यू पीपल वुड भी मैनेजिंग द अफेयर ओवर है Right and given the small scale of our uh, uh, majority of the farmers, it should be 85-86% 80, 86% 86 of the farmers, there is small land holding. So in such a case, having a farmer producer organization will give the benefits of economies of scale and better negotiating powers. Now, these are the benefits. These are the benefits of हैविंग अ एफ पी ओ आई हैव स्टेटेड आउट द पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ सो इट विल लीड टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इनपुट प्रोक्योरमेंट इट विल अलाउ फार्मर्स क्योंकि ये कलेक्टिव है तो इनको फाइनेंस लेने में आसानी होगी दैट टू एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट इट विल हेल्प मिनिमाइज द पोस्ट ऑफिस लॉसेज क्योंकि कितने सारे फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है विच एज इन्वेस्टेड इन कोल्ड स्टोरेज ठीक है तो कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्ट किया है जो उनका हार्वेस्ट हुआ उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं जब मार्केट प्राइस बढ़ती है वो फिर उसको बेचते थे एंड देर इज बेटर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है फॉर एग्जाम्पल यहां पे भी देर इज समथिंग नोन एज फार्मर एक्सटेंशन सर्विसेज तो फार्मर एक्सटेंशन सर्विसेज इज बेसिकली कृषि विकास केंद्र जो टेक्नोलॉजी आगे डिसिपिनेट करते हैं तो so, एफ हैं उनका कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उनको पता लगता है वो अपने मैनेजमेंट के थ्रू लोगों को ट्रेन करते हैं और बोलते हैं हमें इस पे शिफ्ट होना है सो दिस मीन्स दर इज बेटर एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द फार्मर्स राइट सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द एफ पी ओ वरियर सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट रिफॉर्म आप कंक्लूड करिए पे ठीक है दैट दिस इज अ मस्ट नीडेड डायरेक्शन एफपीओ मस्ट नीडेड इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर अपी एट दिस मोमेंट द टारगेट इज टू क्रिएट टेन थाउजेंड एफपीओ